Hello friends, today video is about electron transport chain, electron transport system. ये होता कहाँ है? ये होता है यूकेरियाट में, जिसे बोलते हैं oxidative phosphorylation. क्या बोलते हैं? Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. इसमें होता क्या है? मेनली जो है कि लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड या फिर अमीनो एसिड. ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनता है? फाइनली क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इस स्टेप में ये होता है. होता ये है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से बनता है पाइरूवेट, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में. और फिर ये जो पाइरूवेट बना है, ये पाइरूवेट जो है पाइरूवेट से बनता है एस्टिल को ए, एस्टिल को एंजाइम ए. और ये कहाँ पे होता है? एस्टिल को एंजाइम ए बनता है पीएचडी कॉम्प्लेक्स के थ्रू. और पीएचडी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब बन गया एस्टिल को ए, एस्टिल को ए. फिर इससे क्या बनता है? एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2. इसका फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? थ्रू द क्रेब साइकिल. और क्रेब साइकिल जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और फिर जो एनएडीएच और एफएडीएच2 से क्या बनता है? एटीपी. क्या बनता है? एटीपी. ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फाइनली एटीपी. आइए हम डिस्कस करते हैं एटीपी के बनने की प्रोसेस को, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेज होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये होता है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज. और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को बोलते हैं कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज. और कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. फाइनल और लास्ट कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, जिसे बोलते हैं एटीपी सिंथेज. लास्ट स्टेप में ही जो है कि एटीपी का सिंथेसिस होता है. हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो कि हम बनाए हैं, यानी डीएच और एफएडीएच2 हम बनाए हैं क्रेब साइकिल के थ्रू. अब मैट्रिक्स में ही बना था तो मैट्रिक्स से क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं एनएडीएच को. एनएडीएच से क्या होता है? ये क्या करता है? एफएमएन से रिएक्शन करके रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? एनएडी प्लस बना देता है. और जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो है एफएमएन ले लेता है और बना देता, पास हो जाता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से होते हुए कहाँ पे आ जाता है? ए आ जाता है यूबिक्विनोन क्यू के पास. यूबिक्विनोन बोलते हैं, यूबिक्विनोन इससे मिलके बना देता है QH2 यूबिक्विनोल, जहाँ पे एक रिड्यूसिंग यूनिट होता है कोएंजाइम Q10 इसे बोलते हैं. फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि जो अब QH2 बना है ये क्या करता है? इस ए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम B1 को. और साइटोक्रोम B1 क्या करता है? साइटोक्रोम B1 ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम B2 को. साइटोक्रोम B2 क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम C को. अब ये जो साइटोक्रोम C है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक साइटोक्रोम की आवश्यकता होती है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए यहाँ दो साइटोक्रोम C की रिक्वायरमेंट होगी. फिर जो सेकेंड स्टेप से भी यही होता है. सक्सिनेट से क्या होता है? बन जाता है फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ FAD और बन जाता है FADH2. ये फिर से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, यहाँ रिड्यूस होता है. रिड्यूस होकर के कहाँ आता है? फिर से ही क्यू एंजाइम क्यू को जो है यूबिक्विनोन को कन्वर्ट करता है UbiQH2. और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इंटर करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से होते हुए, ये इंटर करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास और आता है साइटोक्रोम C1 के पास. साइटोक्रोम C1 से फिर आ जाता है साइटोक्रोम C.
अब जो है साइटोक्रोम सी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए क्या करता है, साइटोक्रोम ए थ्री के पास ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से कॉम्प्लेक्स फोर में कॉपर और आयरन होते हैं जो कि इसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर ए क्या करते हैं, फाइनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो हाइड्रोजन आयन जो हम ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं इसके सहारा से क्या होता है, बन जाता है वाटर। मैट्रिक्स में पाया जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये क्या करता है, यहाँ से एटीपी सिंथेसिस से मिलकर के बना देता है एटीपी जो कि हमारा टारगेट था। होता क्या है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, चार हाइड्रोजन चार मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। चार हाइड्रोजन को कहाँ से, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये भी चार हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पुश करता है। और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है दो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है उसमें इसके दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल। जो एफ नॉट पार्टिकल है इसका काम होता है चैनल का काम करता है। ये क्या काम करता है, चैनल का जो ये प्रोटॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं इनको फिर से क्या करता है, पुल डाउन करके ले आता है मैट्रिक्स में। और जो एफ वन पार्टिकल में पाया जाता है एंजाइम एटीपी सिंथेस जिसके सहारे से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के बना देते हैं एटीपी। ये साइकिल रिपीट होती रहती है, साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।